गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट आज 111 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है और ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स जो हैं आज हरे निशान पे बंद हुए हैं। मार्च में जो आपका प्रॉफिट बुकिंग आई थी, या फिर जिसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं, आदमी अपनी जितने भी लॉस वाली पोजिशन रहता है उसको टेम्परेली स्क्वायर ऑफ कर लेता है और एक या दो दिन के बाद अगेन उसी स्टॉक में या फिर किसी दूसरे स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लेता है। तो उस वित्तीय वर्ष के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके जो खाता है, डीमैट खाता, उसमें उस पर्टिकुलर लॉस का अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, जिससे कि आपका इनकम टैक्स कम रहता है। तो इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और आपको, यदि आप मार्केट में निवेशक हैं, तो मार्च का महीना हमेशा आपको नोट करके चलना चाहिए, क्योंकि इस मार्च के महीने में आपको चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो यदि मार्च के पहले यदि आप अपना जो भी लॉस की पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर दें, और मार्च के एंड वीक में, आखिरी सप्ताह में आप नोटिस करेंगे कि मार्केट में एक सभी स्टॉक बहुत अच्छे करेक्शन में आपको उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो 5-10% का सस्ता माल है, ये आपके जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने में फ्रॉम द अप्रैल मंथ काफी हेल्प करेगा। अप्रैल मंथ से आपने कंटिन्यूअसली देखा है कि सभी स्टॉक जो है एक तरफा ऊपर की तरफ भागते जा रहे हैं। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। अब जितने भी टेक्निकल चार्ट देख के बताने वाले लोग कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे फेलियर, ये सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि आसमान की कोई लिमिट नहीं होती और अब निफ्टी जो है एक प्रकार से आसमान पे ही पहुंच चुका है। तो अब इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे लिमिट की कोई सवाल ही नहीं है। तो आपको अपनी पोजिशन जो है केवल इसी पॉइंट पे रखनी है, और आपका कन्विक्शन केवल इसी बात पे होना चाहिए कि आपकी ये जो कंपनी है ये आने वाले समय में प्रॉफिट पोस्ट करेगी कि नहीं करेगी, या फिर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 60% के करेक्शन पे मिल रही हो या 50% के करेक्शन में मिल रही हो और वहां से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ना हो। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं आपको एक सॉलिड कन्विक्शन बनाए रखेंगे कि आपको मार्केट के ऑल टाइम हाई पे अपना माल रखना है कि बेचना है। अभी भी आपके पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे शेयर होंगे जो ऑल टाइम हाई तो दूर की बात, अपने 52 सप्ताह के लो पॉइंट पे बैठे होंगे। जैसे आप यदि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक देखेंगे, आप जाके यदि आज बंधन बैंक को चेक करेंगे, ये किसी भी प्रकार की स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, तो बंधन बैंक जो है अपने 52 सप्ताह के लो पे बैठा हुआ है, 181 रुपए पे आज की डेट पे, और बहुत ही बढ़िया बैंक है। DII दबा के इसको खरीदते जा रहे हैं, इसके बावजूद जो है स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो पे बैठा है। यहाँ पे मैं राकेश झुनझुनवाला की एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब कभी भी किसी स्टॉक में बहुत लंबी एक रैली आनी रहती है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में पहले एक जबरदस्त करेक्शन होता है। तो ये बात आपको नोट करके चलनी है, जब कभी भी किसी स्टॉक में एक बहुत डीप करेक्शन हो रहा है तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है तो आने वाले समय में एक उसमें शानदार रैली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। FII और DII का डेटा यदि आज का हम चेक करें तो मार्केट में एक बहुत बड़ा पैसा आज बाजार में लगा है। 2778 करोड़ रुपए की खरीदारी FIIs ने आज सिंगल ट्रेडिंग डे में की है। और मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब कभी भी FII और FPI का पैसा मार्केट में लगता है, ये हमेशा लार्ज कैप को प्रेफर करते हैं। आपने बीते दिनों में नोटिस किया होगा कि आपका HDFC बैंक, जब मैंने 1385 रुपए पे आपको इस चैनल पे डिस्कस किया था, उस लेवल से बढ़ के आज वो 1550 रुपए में आ गया है। और ये जो ड्यूरेशन है ये केवल 2-3 सप्ताह के बीच में है। HDFC बैंक में यदि आप एक FD ओपन करने जाएंगे तो वो 365 दिन में आपको 7-8% का रिटर्न देंगे, और यहां पे आपको इन 3-4 हफ्तों में ही मोर देन 10% का रिटर्न मिल गया। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर इस इक्विटी मार्केट की एक बहुत जबरदस्त ब्यूटी है। आपको एक सटीक एनालिसिस करते आना चाहिए कि किस स्टॉक को आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पकड़ना है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग जो हैं, पेज इंडस्ट्री जो मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया था, जिसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है, अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख रुपए तक की मेरी उसमें पोजीशन है, इतना सॉलिड कन्विक्शन है मेरा, उस पर्टिकुलर स्टॉक का यहाँ पे 34,900 से नीचे जब करेक्शन हुआ, ये 33,500 पे आया, तो कुछ लोग जो है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ये बात लिखने लगे कि राहुल भाई इसमें और कितना करेक्शन पॉसिबल है। देखिए, मेरे इस पर्टिकुलर चैनल पे एक भी वीडियो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जिसमें आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करिए। मैं केवल उस स्टॉक के बिजनेस एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। यदि आपका कन्विक्शन बनता है तो आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पे उसको खरीदिए, और यदि नहीं बनता है तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहती है। मेरा पर्पस आपके सामने इस प्रकार का बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस प्रेजेंट करने का यह है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझिए, और जब आपका सॉलिड कन्विक्शन बन जाए तभी आप उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाइए।
तो भविष्य में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप किसी भी स्टॉक में यदि अपनी पोजीशन बनाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लेंगे। यहां पे मेरा किसी भी प्रकार का कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सभी मेरी पर्सनल पोजीशंस रहती हैं जो मैं आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए शेयर कर रहा हूं। यदि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में गलत होता हूं तो उसके लाभ और नुकसान के लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहां पे जेफरीज ने मेटल सेक्टर के ऊपर पर्टिकुलरली बाय कॉल दिया है और इनके टारगेट्स, इन जेफरीज के टारगेट जब कभी भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आने लगे तो समझ जाइएगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये मेरा पिछला 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ऑब्जर्व किया है, जब कभी भी ये टीवी न्यूज चैनल वाले भैया लोग और या फिर ये जेफरीज टाइप के लोग आके मार्केट में बोलने लगे कि अब आपको इस स्टॉक को बाय करने का बहुत सूटेबल समय आ गया है, तो समझ जाइएगा ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आप इस स्टॉक से बहुत दूरी बना लीजिए। आप नोटिस करेंगे 3 से 6 महीने में इस स्टॉक में इतना डीप करेक्शन आएगा कि लोग अपनी पोजिशन नहीं संभाल पाएंगे और फिर आने वाले 3 से 6 सालों के लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन में वो कंप्लीटली लॉक्ड हो जाएंगे। आदमी यहां ट्रेड करने आता है 3 से 6 हफ्ते के लिए और वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में बन जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि वो इस प्रकार के बोरोड कन्विक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको यह भी बताया है कि आपको एट द मोमेंट स्टील सेक्टर से बहुत दूर रहना है, क्योंकि जितने भी मेटल्स के स्टॉक हैं वो अपने ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पे पहुंच चुके हैं और इस पॉइंट से उनका नीचे आना निश्चित है। हो सकता है यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो 10-15% की रैली और दें रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए और उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक वी शेप का यहां पे बॉटम की तरफ करेक्शन आए। तो मेरे ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पर्टिकुलर बिजनेस को प्रॉपरली एनालाइज कर लीजिए और उसके बाद ही मेटल सेक्टर में अपनी पोजीशन बनाइए। आगे हम डिस्कस करते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में, 2 से 3 हफ्ते पुराने वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि मैं जो है कंटिन्यूअसली इस आवास फाइनेंशियरीज पे बहुत ही एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। आवास फाइनेंशियरीज को हम जो है अप्रॉक्सीमेटली 1380 के लेवल से डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1380 का ये लेवल था, 1380 से ये फर्दर डाउन गया और यहाँ पे 1310 का लो बनाने के बाद यहाँ पे बॉटम में इस स्टॉक ने एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया और ये जो डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है, इस डब्लू में आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे एक फेलियर दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का फेलियर। तो ये जो है एक अनदर टाइप ऑफ डब्लू पैटर्न है जिसको आपको इस प्रकार से एनालाइज करना है कि जब कभी भी आप किसी स्टॉक में डब्लू पैटर्न की खोज कर रहे हैं या फिर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस डब्लू पैटर्न के साथ आपको स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस भी करते बनना चाहिए। आपको यह देखना है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका नेट प्रॉफिट कितना है, जिस साल से ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर रहा है क्या ये लाइफ टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं, क्या इनकी सेल्स हाईएस्ट एवर है, और यदि इनकी सेल हाईएस्ट एवर है तो इस प्रकार की ये जो फेलियर हो रहे हैं डब्लू पैटर्न में या फिर किसी भी प्रकार के राउंडिंग बॉटम पैटर्न में या फिर हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न में, तो ये सभी पैटर्न के फेलियर्स को आपको निग्लेक्ट करना है। ये पोजीशन जो है यहाँ पे ये जो फेलियर्स हैं ये ऑपरेटर के द्वारा इंटेंशनली क्रिएट की जाती है ताकि कुछ कमजोर रिटेलर्स जिनको ये इस बिजनेस का अनुभव नहीं है और कन्विक्शन नहीं है या फिर उन्होंने किसी YouTube चैनल को देख के इस स्टॉक को परचेस किया है, वो अपने माल को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बेच दें और वो जब बेच दें तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में एक बिल्कुल वी शेप में रिकवरी आए और किसी को बाय करने का मौका ना मिले। स्टॉक इज करेंटली गिविंग यू आर रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से यदि आप मेजर करेंगे जिस पॉइंट से यहाँ पे अपन ने परचेस किया था, तो आज की डेट में हम अप्रॉक्सीमेटली इसमें 20% के रिटर्न में बैठे हैं और ये कितने दिनों में अचीव हुआ है, मात्र 24 दिनों में। तो ये जो 24 डेज में हमारा ये जो अचीवमेंट है 18% का, ये तभी पॉसिबल है जब आपको किसी स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस करते बनता हो और उस स्टॉक का फ्यूचर फोरकास्टिंग बनती हो। आप यदि बोरोड कन्विक्शन के बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी इस प्रकार की पोजीशन को नहीं बना पाएंगे। आगे चलते हैं हमारे डिस्कशन में। नेक्स्ट स्टॉक जो है उसका नाम है कैंपस फुटवेयर। कैंपस फुटवेयर में भी देखिए, मैंने आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताया था कि ये जो सेलर है ये कंटिन्यूअसली वीक होते जा रहे हैं और सेलर वीक होने की निशानी क्या थी, ये छोटे छोटी रेड कैंडल्स और इनके कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम, और लो वॉल्यूम के बाद आप यहाँ पे नोटिस करिए ये छोटे छोटे जो ग्रीन कैंडल्स बने हैं फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर बिगर ग्रीन कैंडल, ये जो है बहुत एग्रेसिव बाइंग इस स्टॉक में ला रहे हैं। यहाँ पे आपका ये जो लेवल था 212 से स्टॉक 240 कुछ ही दिनों में पहुंच गया, मोर देन 12-14% का रिटर्न आपको
विद इन फ्यू डेज ही मिल गया, लेकिन अपनी जो एंट्री की पोजीशन है, मैं जिस पॉइंट से इस स्टॉक को खरीदना स्टार्ट किया है, दैट इज अराउंड 276 रुपीस। तो 276 रुपीस से यदि हम अपनी पोजीशन से इसको कंसीडर करें तो आज की डेट में भी स्टॉक जो है काफी अच्छे हेल्दी कलेक्शन पे अवेलेबल था। तो यदि आपका इस बिजनेस पे कन्विक्शन था तो आपको इस पॉइंट में भी अपना 1/3 जो लास्ट इन्वेस्टमेंट था वो आपको डालना था। यहाँ पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये करेंगे कि मैं आपको बार बार बोलूंगा कि आप केवल एक बार में 33% का ही इन्वेस्टमेंट करिए। यदि आपको टोटल 10 लाख रुपए एक स्टॉक में डालने हैं तो आप एक बार में केवल 3,30,000 रुपए डालिए। जब वो आपके बाइंग प्राइस से फर्दर 5% करेक्ट हो जाए तब फिर आप 3,30,000 रुपए डालिए, और जब वो आपके बाइंग प्राइस से 10% नीचे आ जाए तब आप उस 10 लाख रुपए में से 3,33,000 रुपए डालिए। लेकिन आप ये चीज कभी फॉलो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप स्टॉक को देखेंगे और वन शॉट पे ही उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे 10 लाख रुपए में। आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आप बहुत लंबी अवधि के लिए फंस जाएंगे और आपका एवरेज प्राइस बहुत ऊपर का रहेगा। आपको ध्यान रखना है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट राशि 1 लाख रुपए हो, चाहे 10 लाख रुपए हो या फिर 1 करोड़ रुपए हो, आपको वन शॉट में कभी भी पेमेंट नहीं करना है स्टॉक मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे बॉटम किसी को नहीं पता, ना ही किसी स्टॉक का टॉप पता है। आपको जब आप स्टॉक बेचेंगे तब भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है 33% का, और जब आप बाय कर रहे हैं तब भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। ये मेरे पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसको नोट करके चलिएगा। जिस भी स्टॉक को आप बाय करेंगे वो फर्दर गिर जाएगा और जिस किसी भी स्टॉक को आप बेचेंगे वो फर्दर बढ़ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीजों को तभी हम बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं जब हम अपना एक बाइंग और सेलिंग स्टैगर मैनर में करें। स्टैगर मैनर मींस पार्शियल पार्शियल क्वांटिटी में करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में। लास्ट स्टॉक जो है दैट इज पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री ही वो स्टॉक है जो अपने जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनके बीच में एक बहुत बढ़िया पैनिक क्रिएट कर रहा था, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर मेरा जो कन्विक्शन है ये देखिए कितना खरा साबित हो रहा है कि ये स्टॉक पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही अपने 5 से 6 हफ्ते की गिरावट को टोटली यहाँ पे कंपनसेट कर दिया। ये जो टोटल गिरावट हुई थी ये कम से कम 3 से 4 हफ्तों की गिरावट को यहाँ पे इस स्टॉक ने केवल 2 से 3 कैंडल्स में ओवरकम कर लिया। तो ये कहलाती है बायर की पावर, और ये बायर की पावर मुझे कहाँ से दिखी थी, यहाँ पे DII का जो एक्यूमुलेशन था यदि आप पेज इंडस्ट्री में ऑब्जर्व करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो जब कभी भी ये स्टॉक एक हेल्दी करेक्शन पे अवेलेबल रहते हैं तो DII एक बड़े फंड का इन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि उनको ये स्टॉक्स का भविष्य पता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 50,000 भी जाएगा और 70,000 भी जाएगा। ये किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट से, अपने कन्विक्शन से, जहां कहीं भी आपका एक हेल्दी पॉइंट आता है आप इस स्टॉक में अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मेरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको एक एडवाइस है, ये हाईली वोलेटाइल स्टॉक है तो आप अपनी पोजिशन को अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के आसपास बुक करके निकल सकते हैं यदि आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाती है। आप मिनिमम प्रॉफिट यदि कंसीडर करना चाहें तो उसको 10-12% की रेंज में रख सकते हैं। यदि हर 3 महीने में आप 10-12% का रिटर्न मार्केट से बनाते जाते हैं तो साल में आप 4 बार ऐसा कर पाएंगे। 4 बार यदि आप ऐसा करते हैं तो 30-35% की CAGR आपके ओवरऑल कैपिटल पे निकल के आएगी, जो कि बहुत ही डिसेंट है। मतलब हर 2 से 2.5 सालों में आप अपने पैसे को डबल कर रहे हैं। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में कुछ और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।